चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार आपके लिए लेकर हाजिर हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो। तो जैसे कि मैंने पहले भी कई छोटी छोटी चीज़ों की अनबॉक्सिंग की है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो कुछ इसी तरह से मेरे पास आज एक और गैजेट है जो कि काफ़ी छोटा है। इस पर लिखा है द स्मॉलेस्ट कार इन दी वर्ल्ड, यानी दुनिया की सबसे छोटी कार, और वो भी सोलर पैनल पर चलने वाली। तो आज हम इसी कार की करेंगे अनबॉक्सिंग, किस तरह की ये कार है, किस तरह से ये काम करती है, वो सभी बातें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो कुछ इस तरह की पैकिंग में हमें ये कार देखने को मिल जाती है। ऊपर की तरफ लिखा है द स्मॉलेस्ट कार इन दी वर्ल्ड, पीछे साइड में कुछ डिटेल मेंशन है, मैं आपको ओपन करके एक बार दिखा देता हूँ क्योंकि इस पे एक स्टिकर लगा हुआ है। तो इस पे लिखा है दिस सोलर कार पावर्ड बाय सोलर एनर्जी कैन डायरेक्टली स्टार्ट द इंजन इन अ स्ट्रॉन्ग सनलाइट टू कीप रनिंग फास्ट। इट इज़ इको फ्रेंडली, एनर्जी सेविंग, स्पेशली डिजाइंड एंड फैशनेबल, एंड विदाउट डाउट इट इज़ अ परफेक्ट टीचिंग एड फॉर स्टूडेंट्स। मतलब कि ये स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए है कि किस तरह से हम सोलर एनर्जी को यूज़ में ला सकते हैं। और ये दुनिया की सबसे छोटी कार है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से हमारी ये कार निकल जाएगी। तो दरअसल तो हमारी कुछ इस तरह से ये कार रहती है, और इसमें नीचे की तरफ चार टायर दिए गए हैं और एक इसकी नीचे की बॉडी बनाई गई है। और जो इसमें एक छोटी सी मोटर है, मेरे ख्याल से जो मोबाइल फ़ोन में वाइब्रेटर होता है, यह हुआ है। और एक नीचे गरारी अटैच की हुई है जिस जो कि सीधी हमारी मोटर है जो वो इस पैनल से कनेक्ट है। तो जब भी इसको लाइट मिलेगी या एनर्जी मिलेगी तो ये काम करने लग जाएगी। दरअसल मैंने इसको बल्ब के साथ भी यूज़ करके देखा है, जब मैं बल्ब को इसके ऊपर लाता हूँ 100 वाट के बल्ब को, तो ये चलने लग जाती है, वो भी मैं आपको शो करूँगा। साथ के साथ सनलाइट में भी मैं इसको यूज़ करके आपको दिखा दूंगा। और अब हम कंपेयर कर लेते हैं इस कार को किसी और गैजेट के साथ, ताकि आपको बेटर आइडिया लग पाए कि कितना साइज इस कार का रहता है। तो मैं ले लेता हूँ एक लाइटर। तो दरअसल लाइटर कुछ इतने साइज का है हमारे पास, और इसके सामने ये कार काफ़ी छोटी लग रही है, तो इसको रख देते हैं साइड में। अब मैं ले लेता हूँ एक कार्ड रीडर। हमारे कार्ड रीडर की जितनी शेप में ही ये कार है, तो आपको अंदाज़ा लग भी गया होगा कि कितना इसका साइज़ रहता है। तो अब हम इसको यूज़ में ला के देख लेते हैं। तो अब मैं इस कार को चलाने के लिए एक बल्ब ले लेता हूँ। तो दरअसल सोलर पैनल है वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, यानी वो भी हीट लेता है। तो अब मैं इस बल्ब को ऑन कर लेता हूँ, तो उसके बाद कार को चला के देखेंगे। तो इसको ऑन करने के बाद अगर मैं इसको कार के ऊपर करता हूँ, तो ये कार मैग्नेट की तरह भागने लग जाती है। तो मैं इसको दोबारा से एक उस साइड से भी चला के देख लेता हूँ, तो काफ़ी अच्छी स्पीड में ये भाग जाती है। तो आपने देखा होगा कि किस तरह से ये काम करती है, और अब मैं इसको सनलाइट में भी आपको यूज़ में ला के दिखा दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी कि किस तरह से ये कार काम करती है। और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेकर आता रहूँगा कुछ इसी तरह से छोटे छोटे गैजेट की अनबॉक्सिंग, और दूसरे अनबॉक्सिंग तो मैं अपने चैनल पर करता रहता हूँ। तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और हंसते रहिए, हंसाते रहिए।